मुझे सोनिया जी से मिलकर जून 2nd इज आवर स्टेट अपॉइंटेड डे, सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन, सो आई हैव इनवाइटेड श्रीमद सोनिया गांधी जी टू अटेंड द ओकेशन ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना पीपल. सो इन प्रिंसिपल शी हैज़ अग्रीड टू कम तेलंगाना टू अटेंड द ओकेशन. वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर तेलंगाना पीपल. That is why we have invited, our cabinet has passed a resolution to invite Srimad Sonia Gandhiji. I have conveyed my cabinet decision and Telangana people's request. And sir, PM is now targeting the Congress that over reservation issue, and even Pakistani leaders praising Congress leaders. How do you look at it, sir? And मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब जब चुनाव आएंगे तब तक मोदी जी को पाकिस्तान याद आएंगे. भाई किसने गया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बर्थडे के लिए? कांग्रेस नेता लोग थोड़ी गया. मोदी जी को जब पसंद है पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट वहाँ के नेता जन्मदिन में मिलेंगे, गल्ला मिलेगा, नहीं तो पाकिस्तान से अच्छा रिश्ते के बारे में बोलेगा. और कभी उनको पसंद है तो उनके घर के बगल में मुसलमान भी थे, रमज़ान भी अच्छा वो लोग बनाए, ये सब सारे याद आएंगे. जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में मोदी जी को जो सवाल उठाए, पिछले दो चुनाव में जो वादा किया था जनता को, किसान का डबल इनकम, 15 लाख रुपए जनधन खाता में हर गरीब को डालने का, और 2 करोड़ नौकरी हर साल डालने का, और हम लोग ये भी सवाल उठाए कि संविधान बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, और SC ST OBC आरक्षण हटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है, ये सब सारे हम लोग सवाल उठाए, तो तब भारतीय जनता पार्टी को ये आधार है पाकिस्तान या मुसलमान. भाई राजनीति में आपका एजेंडा क्या है इसके बारे में कहो, नहीं है तो 10 साल में आप लोग जो तरक्की किए इस देश में, आपके तरक्की के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा दो देश के, देश जनता को. सर, 6 फेज ऑफ इलेक्शंस इज ओवर नाउ. प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हमेशा गालियां दी है. कांग्रेस पार्टी के पास अब एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को गाली देकर अपने आप को आगे रखना. वो बार-बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल प्रधानमंत्री को गाली देती है. नहीं, ये पिछले कम से कम 1981 से लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू हो गया तब से गांधी परिवार को गाली देते देते भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँच चुका है. अभी मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए, कुछ कहने के लिए कुछ वजह ही नहीं है. इनका जो इलेक्शन वादा थे, इनके 10 साल सरकार के जो राजनीति था, नहीं तो उनका एक्शन प्लान था, इसमें सारे शक फेल हो गए. इसके बारे में जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए मोदी जी कुछ गाली दे रहा है, ऐसे बहाना सामने ले आके खड़ा कर रहा है. क्यों, हमको क्या जरूरी है मोदी जी को गाली देने का? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है. अगर बीजेपी के नेता लोग माने या नहीं माने, कांग्रेस पार्टी तो जब प्रधानमंत्री कुर्सी में कोई भी बैठने दो, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठने दो, नरेंद्र मोदी जी बैठने दो, कुर्सी के लिए हम लोग कभी भी खम नहीं किए. मगर अभी रहा आप जो बात कह रहे हैं, हम पलट के जवाब दिए तो मोदी जी ऐसे बयान दे रहा है, ये ठीक नहीं है उनके होदा के लिए. सर, 6 फेजेस ऑफ पोलिंग इज ओवर नाउ, व्हाट यू एक्सपेक्ट सर? कॉन्फिडेंट है इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, और कितना एक्सपेक्टेड नंबर आप चाहते हैं कि ये आपको मिल जाए? एंड सर, मैं नंबर तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं नंबर तो नहीं कह सकता हूँ, मगर एक बात साफ कह सकता हूँ कि हम सरकार बना रहे. इंडिया अलायंस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट. मेरे ख्याल से अच्छा दिन 9 तारीख है, जून 9 तारीख लाल किले में तिरंगा झंडा कांग्रेस पार्टी लहराएंगे. मगर सर, बीजेपी कह रही है कि दे आर गोइंग टू गेट द मेजॉरिटी एंड दे हैव ऑलरेडी गॉट द मेजॉरिटी इन द 6 फेजेस. सेम थिंग तेलंगाना चुनाव में भी यही बात कहा था. तेलंगाना में नतीजा आप देखे, कर्नाटक में भी ऐसा ही बोले, कर्नाटक का जो नतीजा देखे, हिमाचल प्रदेश में भी यही बात कहा था भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल प्रदेश में भी आप लोग देखे. तो भारतीय जनता पार्टी इवन केरला में भी, तमिलनाडु में भी, जहाँ पर डिपॉजिट भी नहीं मिल रहा है वहाँ पर मेजॉरिटी सीट्स मिलने वाले हैं, ऐसे भाषण देते जा रहे हैं. मतलब कभी उनके कैडर को, उनके लीडर को एक आश्वासन दिलाने के लिए ऐसा
स्टेटमेंट कुछ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस बार तो खत्म हो चुका है। एंड नाउ द पीएम इज अश्योरिंग पीपल ऑफ द कंट्री दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिमूव रिजर्वेशन अक्रॉस द कंट्री। हाउ डू यू लुक एट द कमेंट्स ऑफ द पीएम? मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, मोदी जी गारंटी का वारंटी खत्म हो गए। जब वारंटी खत्म हो गए, वो गारंटी अभी क्या गारंटी देने वाले है? तो इसीलिए ऐसे बात अभी क्यों वो मुद्दा आ रहे, क्यों जवाब देना पड़ा? इसका मतलब वो लोग कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसीलिए बार बार वही बात उठा के लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी बोलने दो, इस देश की जनता यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के जनता तैयार हो गए कि भारतीय जनता पार्टी हटाने के लिए और इंडिया अलायंस को जिताने के लिए इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। फिरोजो श्रीमत।